la tecla chol ra tha बारह पांच 1965 मंगलवार को आठवें पेज की आदमी में बात चल रही थी जैसे कोई बाप कहते हैं ए सुअर के बच्चे तो कोई सूट बुद्धि बच्चा होगा तो कहेगा बाबा क्या आप सुअर हो जो हमको सुअर का बच्चा कहते हो ये बाबा ने एक दृष्टांत दिया था कि एक मजिस्ट्रेट ने उनको कहा ए गधे का बच्चा तो उसने बोला साहब हम गधे का बच्चा तो आप भी गधे का बच्चा अगर हम गधा तो आप भी गधे अखबारों में कभी कभी ये पढ़ते हैं कोई कोई पढ़ते हैं तुम हाथ में देती हो बाबा हमेशा मुख में देती है मीठी मीठी मम्मा का मीठी मीठी याद कर लेना कि मीठी मीठी कौन होती है समझते हो मीठे मीठे वो होते हैं जो नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने में तत्पर ही रहते हैं शरीर निर्वार्थ ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं बाप कहते हैं देखो हैं तो ये भी बाबा के बच्चे ना तो प्रजापिता ब्रह्मा बड़ा गृहस्थी हुआ हुआ ना अरे कितने बच्चे हैं इन सब की पालना करनी होती है बाबा कहते हैं इन सब की भी संभाल करते पढ़ाते करते ये हैं और कितना बाप को याद करते हैं विकार में तो कोई को जाना नहीं है क्योंकि ये भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए विकार में तो नहीं इनको जाना है न उनको इनको दो चार बच्चे हैं और इनको सैकड़ों हजारों बच्चे हैं और पता नहीं आगे चल के कितने होंगे तो भी बच्चों की पढ़ाई वगैरह की संभाल करते हैं फिर भी ये अपने बाप को याद करते रहते हैं और बाप तो है ही बाप उनको तो कोई पुरुषार्थ नहीं करना होता है कौन से बाप को शिव बाप को जो आत्माओं का बाप है उनको कोई पुरुषार्थ नहीं करना होता है क्यों कोई कारण होगा उनको पुरुषार्थ क्यों नहीं करना पड़ता है पूर्व माने शरीर माना शरीर में सोने वाला शयन करने वाला उनको तो अपना शरीर ही नहीं है
तो शरीर रूपी पुरी में आराम कैसे करेगा? तो कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं और इनको तो पुरुषार्थ करना होता है। किनको है? इनको मन दो है, ब्रह्मा और प्रजापिता। तो इतने बच्चों को प्रजापिता ब्रह्मा को भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, जगदम्बा को भी पुरुषार्थ करना है। इतने बच्चे होते हुए भी उनको संभालते, पढ़ाते, उनकी पालना करते, शिक्षा देते, फिर भी योग में तो रहना होता है ना। तत्त्वम, तुम बच्चों को भी योग में रहना है। बाप शिव बाबा को तो योग में नहीं रहना है, क्यों? उनको योग में क्यों नहीं रहना है? क्योंकि वो तो सदा ही संपन्न है, सदा ही शिव है और वो सिखलाने वाला है ना। सिखलाने में कोई तकलीफ थोड़ी होती है? बच्चों को संभालना और योग में रहना कोई बड़ी बात नहीं है। भक्ति में रहना और ये बच्चों को संभाल कर फिर याद तो करना पड़े ना। कृष्ण को या कोई भी गुरु आदि को याद तो करना पड़े ना, और बाप को याद करना तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि प्राप्ति बहुत है। प्राप्ति के लिए तो मनुष्य रात दिन मेहनत करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी सबसे अच्छी मेहनत होगी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। वहां से जब पक्के होते जाएंगे फिर वो असर सारा दिन में भी बढ़ता रहेगा। इसलिए सवेरे अमृत वेला नाम क्यों रखा है? अमृत वेला इतना बड़ा भारी नाम। देखो ये अमृतसर से आई है, वहां उस अमृत तालाब का कितना मान है। राजाएं भी आकर के मिट्टी निकालते हैं, अब ये वो बातें तो नहीं है। वो तो भक्ति मार्ग की बातें हो गई, बाकी है बच्चों की याद। मीठी मीठी सिकील दे बच्चों प्रति, फिर सिकील दे मात पिता का याद प्यार, और विदाई, गुड मॉर्निंग या नमस्ते भी करते हैं। बाप का हक है बच्चों को भी नमस्ते करने का।
क्योंकि बाप सेवक है, सर्वेंट है। तो जो सर्वेंट होते हैं वो सदैव नमस्ते करते हैं, ऐसे समझाते रहते हैं। कितना अहंकारी होकर रहना चाहिए, अहंकार देह का मिट जावे, क्योंकि ये अहंकार नुकसान करता है। देह का अहंकार आया और कुछ न कुछ विकर्म बना, जो बड़ा हड़खड़ है, तो इसे मिटाने में टाइम लगता है। देही अभिमानी बनने में टाइम लगता है, तुम जाते हो ना निराकारी दुनिया में जाते हो, पर जो जाते हैं उनको तो गोद देनी है। अगर दिल नहीं रहती है तो मुझे देने में हर्जा नहीं है, परंतु वो तो कुछ भी नहीं है। अब तुम यहाँ किस लिए आए हो? बाबा क्या लिखते हैं कि तुम बच्चे बादल बन करके आओ और सागर से भर करके जाओ। ये है ना बाबा का डायरेक्शन। तो पीछे गोद गोद क्यों कहते रहते हो? क्यों कहते हो कि गोद की भाषा नहीं आती है? क्योंकि बादल बन करके आते ही नहीं है। तो बादल बन करके आओ और जाकर के बरसात करो। तो कहते हैं बाबा अभी हमको समय चाहिए। ऐसे कहते रहते हैं और गोद के लिए आ जाते हैं। आज का प्रातः क्लास है, पंद्रह पांच पैंसठ। तो रिवाइज हुआ है 29/5/65 को। तुम बच्चे दुनिया में देखते जरूर हो, परंतु जो कुछ भी पढ़ा है, शास्त्र पढ़े हैं, जप किए हैं, तप किए हैं, ये सभी भूल जाओ, क्योंकि अभी बाप के बन चुके तो दुनिया से मर चुके, मर चुके तो देह तो रही नहीं। बाकी बन गए देह, इसके बच्चे बन गए, जो सदैव आत्मिक स्थिति में है। तो आत्मा बन गई ना, फिर बताओ मर जाने से क्या होगा? जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो सब भूल जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी पड़े हुए हो वो सब रंग पड़ा हुआ है। अर्जुन से कहा ना, हे अर्जुन तू कोरा कागज बन जा,
अगर कोई पड़े हुए में से भी प्रश्न पूछते हैं तो गोया जैसे कि भूले नहीं है। फिर भी उनको वही याद आता है क्या है? शास्त्रों की बातें याद आती हैं कि रामायण में ये लिखा हुआ है, वेदों में ये लिखा हुआ है। अरे तुम तो मर गए ना, तो अशरीरी बन गए, तुमको वापस जाना है, तो फिर पुरानी दुनिया को क्यों याद करते हो? बत्तीमार की बातों को क्यों याद करते हो? इसको कहा जाता है देह अभिमान। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं देही अभिमानी बहु, तुमने जो कुछ भी पढ़ा है वो सभी भूलना है, क्योंकि अभी वापस जाना है। तो भक्ति मार्ग में जो कुछ भी पढ़े हैं इस भक्ति को भूल जाओ, क्योंकि अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है कि बाप को याद करो। तो बाप को याद करो और डिस्टिनेशन यानी जहां जाना है, जहां के रहवासी हो, उस शांति धाम को याद करो। बाकी जो कुछ भी पढ़े हुए हो भूल जाओ, क्योंकि सतयुग में तो कुछ पढ़ने का है ही नहीं। तो अभी जो कुछ पढ़ा हुआ है वो भक्ति मार्ग पूरा हो जाता है। अगर कोई प्रश्न पूछते हैं कि गीता में ये लिखा हुआ है, तो बाबा बोलते हैं देखो तुम फिर से जी पड़े क्या, फिर से वही देह वाहन आ गया और वो ही पुरानी बातें याद करने लग पड़े। तो वो पुरानी बातें छोड़ दो, बीती सो बीती देखो। फिर गाया जाता है दुनिया ने जीती देखो, तो जो कुछ भी है दुनिया वो भक्ति मार्ग की पुरानी दुनिया है। ये बहुत ही कुछ करते रहते हैं। तुम बच्चों ने भी बहुत ही कुछ किया, अभी इन बातों को भूल जाओ। सब पढ़े हुए हो, भले कोई इस जन्म में पढ़े हुए न हो, ये शास्त्रों आदि की कथाएं, फिर भी तो जन्म जन्मांतर सुनते आए हो, अभी इनको भूल जाओ। क्योंकि जब ज्ञान सागर सब कुछ समझा रहा है तो फिर तुम्हारे पास प्रश्न क्यों उठते हैं, जबकि तुम्हारा बुद्धि योग है ही अपने घर वापस जाने का। याद तो है, ये बातें तुमको ज्ञान की याद तो है ना? तो जिस समय में नाटक पूरा होता है, बाकी कोई थोड़ा समय रहता है तो उनको घर याद पड़ता है, वो तो ठीक है, क्यों उनकी बुद्धि में सारा नाटक रहता है। कोई भी नाटक हो, माया मच्छंदर का नाटक, वो भी जब पूरा होता है तो फिर घर याद पड़ता है,
फिर बोलते हैं पीछे वो रिपीट करेंगे तो वो तो है सब हद की रिपीटेशन। अभी तो बाप बोलते हैं कि तुमको फिर नई दुनिया सतयुग की राजधानी रिपीट करनी है, इसलिए ये सब भक्ति मार्ग छोड़ दो क्योंकि इनमें तुम्हारी दुर्गति हुई है। तो इस दुर्गति को याद मत करो, शास्त्रों को याद किया, माना दुर्गति को याद किया। अच्छा याद ही क्यों करें जबकि उनसे दुर्गति हुई है? तो दुर्गति की चीज को याद नहीं करना है। वेदों में शास्त्रों में क्या है, यही दुर्गति की बात है। ये तो पढ़ते आए हैं, पढ़ते आए दुर्गति होती गई, दुर्गति मिली है ना, ये बाप आकर के समझाते हैं। बाकी किसी की समझ में ये नहीं आया कि हजारों वर्ष हो गए शास्त्र पढ़ते पढ़ते, नीचे गिरते आए हैं या ऊपर उठे? क्योंकि दुनिया को तो इन सब बातों का कुछ पता नहीं है। तो समझते हैं कि भक्ति तो अभी 40,000 वर्ष तक चलेगी, पता नहीं कितने तमो प्रधान बनेंगे। फिर क्या क्या करेंगे? परंतु अभी तो मार्जिन ही नहीं है, भक्ति मार्ग में कितना हुआ और जितना हुआ वो हो गया। अभी तो हम सब विनाश के सामने खड़े हैं। अभी 40,000 वर्ष भक्ति कैसे चलेगी सोचना चाहिए ना। इतना कलयुग कैसे चलेगा? बाप कहते हैं ये सभी बातें हैं जो अभी बीती हैं वो सब भूल जाओ, अभी तो अपने शांति धाम सुखधाम को याद करो। क्योंकि तो कोई भी चीज याद करते हो तो बाबा बोलते हैं कि फिर दुर्गति को क्यों याद करते हो? क्योंकि इन चीजों से दुर्गति है। तो देखो ये ज्ञान कितना कड़ा है, ये हुआ नया ज्ञान, मनुष्यों की बुद्धि में बैठना जरा मुश्किल हो जाता है, बैठेगा फिर भी उनकी बुद्धि में जो हमारे ब्राह्मण या दैवी कुल के होंगे, दूसरे कोई कोई बुद्धि में बैठेगा नहीं। अगर बैठेगा भी तो कोई में थोड़ा बैठेगा क्योंकि उनको प्रजा में आना है, और प्रजा भी कोई कम थोड़ी होती है, प्रजा तो बहुत बननी है। इसलिए बाबा कहते हैं बताओ कौन सा बाबा कहते हैं? जब बाबा कहते हैं तो सदैव शिव बाबा को याद करो, तो वो ही कहते हैं, वो ही सिखलाते तो है ना, वो ही तो कहते हैं ना
कि तुम देश है ते सभी कुछ छोड़ करके आत्मा समझो। अभी तुम्हारी बुद्धि इस यात्रा पर है, तुम्हारा मोह ऊपर जाने का है, तो अब पिछाड़ी की बातों को याद मत करो। इसलिए बाबा ने समझाया है कि मनुष्य जब मरते हैं तो पहले सिर इस तरफ में होता है, पीछे जब शमशान का दरवाजा आता है तो फिर आई देते हैं। माना पहले उठाते हैं तो सिर शहर की तरफ होता है, शमशान की ओर जाते हैं तो इस तरफ लात मार देते हैं। तो ये अभी की यादगार है, तुम लोगों में भी ये दस्तूर होना चाहिए। तुम अभी इस बेहद की दुनिया से ऊपर जाते हो और तुमको तो ऊपर ही जाना है, उस तरफ ही याद करना है। तो तुम्हारे पैर हैं पिछाड़ी में, तो वहां भी ऐसे ही करते हैं, पीछे शहर की तरफ पैर कर देते हैं और शमशान घाट की तरफ मुंह कर देते हैं। ये बातें तो तुम्हारी बुद्धि में बैठती है, बहुत कॉमन बातें हैं। पंद्रह पांच पैंसठ की वाणी का दूसरा पेज। इस समय तुम जानते हो कि हमारा सिर ऊपर में है, माना हमारी बुद्धि ऊपर की ओर है। देखो कृष्ण का चित्र बनाया, सिर ऊपर में है ना, पिछाड़ी की दुनिया में लात मारी हुई है। स्वर्ग की दुनिया जो ऊपर है, ऊंची स्टेज में है, उस तरफ मुख है। नरक की दुनिया को लात मारते हैं। तो देखो वो बहु देखो, एक्यूरेट बात है ना। तो तुम भी हर बात को याद रखो कि जैसे हम वहां जा रहे हैं और इस पुरानी दुनिया की तरफ हमारी लात है, क्योंकि ये बिल्कुल ही छीछी डर्टी पुरानी दुनिया है। कौन कहता है ये डर्टी दुनिया है, ये आत्मा कहती है। वो देह अभिमानी बोलते हैं कि हम अभी जा रहे हैं साजन के पास, और तुम कहते हो हम जा रहे हैं बाबा के पास। वो आया है हमको लेने के लिए और हमको ये युक्ति बताते हैं। ऐसी युक्ति दुनिया में और कोई बताया ही नहीं सकते हैं। कोई भी सन्यासी वगैरह
इतना जन्म जन्मांतर क्या क्या कि आप सब समझाते रहे, ये सभी अपनी अपनी बातें समझाते हैं, बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी हम ही ब्रह्म हैं, हम ही ईश्वर हैं, इस सारी रचना के हम ईश्वर हैं, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम माया के बने हैं। अगर माया के कहा तो मुआ भला, माया के कोई थोड़े ही मालिक होते हैं, पांच विकारों के मालिक थोड़े ही कोई होते हैं। बाबा ने समझा दिया है कि कभी भी माया को धन नहीं समझना, माया को संपत्ति कहा जाता है क्या, धन को संपत्ति कहा जाता है, माया को तो अक्षर ही दूसरे देते हैं, कहते हैं ना इनके पास माया बहुत है, वास्तव में माया नहीं कहनी चाहिए, कहना चाहिए इनके पास संपत्ति बहुत है। अगर कोई कहे कि इनके पास माया है तो समझा जाता है इनके पास पांच विकार शायद बहुत है, तो ये संपत्ति और माया का भी कोई को पता नहीं पड़ता है। बाप बैठ करके समझाते हैं कि बच्चे जितना हो सके जितना ये जो कुछ पढ़ा हुआ है सब भूल जाओ, समझ तो सब गए के सतयुग से लेकर के हमने यहां तक पास किया, अभी हमको वापस जाना है, तो पुरानी बातों को याद नहीं करना है, नहीं तो फिर मुझ पड़ेंगे। गाया जाता है ना कि जो कुछ भी पढ़े हुए हो वो सब भूल जाओ, क्योंकि जो कुछ पढ़े हुए हो उसके बारे में वेद शास्त्र ग्रंथ तप ज्ञान जो कुछ भी किया है इन सब को रात्रि कहा जाता है, क्योंकि तुम जानते हो दुनिया में तो और कोई नहीं जानते। बाबा बोलते हैं कि तुम्हारे में भी कोई कोई नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, ये भक्ति मार्ग रात्रि का मार्ग है, तो इस पुरानी दुनिया से वैराग आना चाहिए, अपने शरीर से भी वैराग आना चाहिए, सारी दुनिया से वैराग। अरे वो सन्यासी कोई शरीर से वैराग नहीं करते हैं, वो तो घर बार से वैराग करते हैं, वो खुद मुख से कहते हैं हमने हर्थ और होम को त्याग किया है, हर्थ एंड होम माने धन दौलत, घर बार बाल बच्चे, इसमें धन भी आ गया, अभी फिर क्यों आकर के धनी बने हैं, इसको फिर कहा जाता है लोभ का भूत। देखो बात करके आए हैं और कितने धनवान बन गए हैं। बाप कहते हैं
इस समय में सभी तमो प्रधान है, सभी जड़ी भूत अवस्था को पाए हुए हैं। ये बातें वो दूसरी दुनिया के लोग नहीं जानते हैं, तुम जानते हो, क्योंकि वो तो समझेंगे अभी 40,000 वर्ष पड़े हुए हैं। भगवान के महावाक्य है ना कि जड़जड़ी भूत अवस्था हो गई है, तमो प्रधान बन गए हैं, तो इसको कोई तमो प्रधान नहीं कहते हैं। इस कलयुग को तो सतो प्रधान समझते हैं, कहते हैं कि बच्चा है, बच्चे जो घीसरी पहनते हैं उन रेगड़ी पहनने वाले बच्चों को सतो प्रधान समझा जाता है। जब एकदम झूर बुड्ढे होते हैं तो उनको तमो प्रधान कहा जाता है। कलयुग को ये कहते हैं कि कलयुग तो अभी बच्चा है यानी सतो प्रधान है। 40,000 वर्ष के बाद तमो प्रधान होगा। तो देखो घोर अंधियारे में डाल दिया है, 40,000 वर्ष ही क्यों कहां से उठाया ये 40,000 वर्ष? कहां से? हाँ, 76 से लेकर 40 वर्ष जोड़ दिए, जबकि बाप की प्रत्यक्षता होती है। कौन से बाप की प्रत्यक्षता होती है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसके द्वारा आत्माओं के बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो मनुष्य सृष्टि का बाप 1976 से प्रत्यक्ष होता है, राम बाप जिसके योग की सिद्धि 40 वर्ष में होती है। तो देखो कहां की बात कहां ले गए हैं, घोर अंधियारे में डाल दिया है। अभी तुम किसको बताते हो तो बोलते हैं वाह कि सभी विद्वान पंडित आचार्य शास्त्र सब झूठे हैं क्या, और तुम सच्चे हो गए? तो उनको कह देना, तुम खुद कहते हो ना, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, तो जरूर सभी झूठ बोलते होंगे। तुम सभी लोग कहते हो ना पतित पावन आओ, तो सब पतित है ना, अभी पतितों में क्या होता होगा? पतित तो पतित ही रहते हैं ना, पतित तो भ्रष्टाचारी ही होते हैं ना, उनमें क्या अकल होगा? क्योंकि अगर अकल होता तो श्रेष्ठाचारियों में होता होगा,
भ्रष्टाचारियों में अकल कहां से आए हैं? क्यों शिष्टाचारियों में अकल कैसे और भ्रष्टाचारियों में अकल क्यों गुम हो गई? कारण क्या है? क्योंकि भ्रष्ट इंद्रियों से पतित होते होते बुद्धि जामणी हो जाती है, श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वालों की बुद्धि चैतन्य बनती है। इस भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट में भी अकल कहां है? देखो बला, ये भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है बर्थनाटी पेनी, इंसॉल्वेंट है, कर्ज लेती रहती है। ये भारत शिष्टाचारी था तो देखो यहाँ कितना धन था। धनवान को समझते हैं कि ये बड़ा सयाना है, देखो इसने कितना धन इकट्ठा किया है। परंतु और जो मनुष्य धन इकट्ठा करते हैं, ये कमाई करके या धंधा करके, तुम्हारा तो देखो धंधा कैसा है, बस ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा, अविनाशी रत्नों का दान तुमको मिलता है, तो तुम धनवान बनते हो। कोई की नौकरी दासी दासपना नहीं करते हो, ना कोई धंधा करते हो, तुम सो बाप से बैठ करके अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हो। फिर वो झोली भर करके औरों की झोली भरना है, जरूर भरना है। अगर औरों की झोली नहीं भरते हो तो समझो कि तुम्हारी झोली भरी हुई नहीं है। क्योंकि जिसके पास धन होता है, अगर किसको नदान करते हैं तो दान न करने के कारण उनको मनहूस कहा जाता है। मनहूस आदि नाम ऐसे नाम और भाषाओं में भी होते होंगे। गुजराती में, इंग्लिश में, माइजर कहा जाता है, जो दान ही नहीं करते हैं। ऐसे बहुत होते हैं जो धन तो इकट्ठा करते रहते हैं परंतु कभी किसी को एक भी पैसा नहीं देंगे, एकदम कंजूस। 15/5/65 की वाणी का तीसरा पेज। और ऐसे मनहूस ढेर के ढेर होते हैं। बाप अभी बोलते हैं, तुम जानते हो कि बाबा को प्रिय भी वही लगते हैं जो धन लेकर के बुद्धि रूपी गोल्डन तिजोरी में रखकर भर करके औरों को भी समझाते रहते। कभी भी कोई सन्यासी आवे तो उनको बोलो, बाबा हमको कहते हैं, और बाबा सभी का है, क्योंकि सभी बाबा तो जरूर कहेंगे, शिव बाबा। उनको भी कहना है परमपिता परमात्मा, तो वो भी बाबा ही हुआ ना। तुम बाप को सर्वव्यापी थोड़े ही कहेंगे। अच्छा बला,
सर्वव्यापी कहेंगे या पुरुषार्थ करके बाप से वर्षा लेना है या उनकी श्रीमत पर चलना है, क्योंकि बाप की श्रीमत पर बच्चों को चलना ही है, तभी तो श्रेष्ठ बनेंगे। यानी सर्वव्यापी से तो कुछ भी श्रीमत नहीं लेनी होती है। अगर मत ली है पीछे सर्वव्यापी है, तो मत ली है तो बेड़ा पार, पीछे बेड़ा ही गर्क हो जाता है जब सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप को तो बाप ही मानना पड़ता है। देखो तुम बच्चों के सन्मुख स्वीट बाबा बैठा हुआ है, बाबा कहते हैं यू आर माई स्वीट चिल्ड्रन, मेरे जो मुखवंशावली जी थे वो अब स्वीट नहीं है। उनको तो भगा दिया, वो मुखवंशावली थे ही नहीं। वास्तव में क्या थे? है मुखवंशावली थे, जो तुम स्वीट मुखवंशावली हो वो एकदम बहुत स्वीट हो। इसने भी तो बगा दिया ना। साकार ने भी अपने साकार बच्चों को भगा दिया ना। किसकी तरफ इशारा किया है? क्या ब्रह्मा बाबा साकार था, किसको भगा दिया? अपने लौकिक बच्चों को भगा दिया। वो तो विकारी है। श्रीमत पर, शिव बाबा की मत पर भी नहीं चलते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा की मत पर भी नहीं चलते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की मत है सो श्रीमत, ऐसे ही कहेंगे ना, तो वो नहीं चलते हैं, पवित्र नहीं मानते हैं, तो एकदम भरतनाट्यम पहनी है। बाबा तो बहुत कड़े कड़े शब्द कहते हैं। अरे गुरु नानक भी कहते हैं, ये भार खाते हैं, मूत पलीती कपड़ धोए, असंख चोर हराम को। महात्माओं को ऐसे थोड़े ही कहना चाहिए, ये तो सिखों का गुरु है। वो कह देते हैं कि असंख्य चोर हराम खोर, असंख्य पापी पाप करके जाय करके असंख्य निंदक सिर धरे भार। यानी निंदक किसको कहते हैं? सर्वव्यापी को। वो महिमा करते हैं ना, वो ऐसे तो नहीं कहते हैं कि सर्वव्यापी है। भारत में जो भी अगर धर्म है तो वो है सिख धर्म। और नहीं तो बतावे कोई, ये तो बहुत ही बताते हैं।
शिवाजी को भी मानते हैं, फलाने को भी मानते हैं, झांसी की रानी को भी पूजते हैं, उनका भी मनाते हैं। देखो शिव बाबा को तो कोई भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो ना, तुम समझते हो तो अभी क्या करेंगे। शिव बाबा की इतनी महिमा तो इस समय में हो ही नहीं सकेगी। जो आकर के शिव बाबा को, क्योंकि कोई ने भी किसको भी सुख नहीं दिया है सिवाय शिव बाबा के, क्योंकि वो ही लिबरेटर है ना। तुम इंग्लिश में भी समझा सकते हो कि लिबरेटर को कहा जाता है दुखहर्ता, क्योंकि लिबरेट किससे करते हैं, दुखों से, रावण की जंजीरों से। गाया भी जाता है कि वो दुख हरता है, सुख करता है। सिर्फ कह देंगे सर्वव्यापी तो मनुष्य क्या समझेंगे। तो एक तरफ में एक बात कहते हैं और दूसरी तरफ में फिर दूसरी बात कह देते हैं। सुखदाता है तो सर्वव्यापी होकर सुखदाता कैसे। सर्व में तो विकार भरे हुए हैं, भूत हैं, दुखदाई हैं। एक बात कहते हैं पतित पावन आओ, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी, माना खुद ही पतित है। ये है कितनी सहज बातें समझने की, इसलिए इनको कहा जाता है बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि। तो पत्थर बुद्धि कोई अपन को पत्थर बुद्धि समझते थोड़े ही हैं। बैठ करके देखो तुम बच्चों द्वारा ऐसे को अभी आग लगवाते हैं, कोई लंका को तो नहीं कहते हैं ना। कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से, बताओ किसका यज्ञ है, शिव ज्ञान यज्ञ कहते हैं, ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ कहते हैं, विष्णु ज्ञान यज्ञ कहते हैं, क्या कहते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ बताओ किसका यज्ञ है, इन शक्तियों का जो बाबा ने स्थापन किया है। इन शक्तियों से ये जो विकारी बंदरों की दुनिया है इन सब का विनाश करा देते हैं। देखो ये दुनिया कितनी बड़ी है और इसमें कितने बंदर हैं, 500 करोड़ बंदर ही बंदर, उसमें भी खास भारत। क्या सबसे बड़ा बंदर कौन हुआ है, खास भारत। आख्याने ये स्टोरी भारत के ऊपर है। क्या कभी मंदिर लायक थे, अभी बंदर बने हैं।
तो जब भी तुम भारत की स्टोरी बताओ, भारत सुखदाम, भारत दुखदाम, और हम हैं रहने वाले अपने शांति धाम के, कितनी बात भी तुम याद करते रहो और सबको यही बताते रहो, ये तो भूल गए हैं कि भारत सुखधाम था। अभी तुम तो जानते हो कि भारत दुखधाम है, हम आत्माएं तो शांति धाम की रहने वाली है, तो अहम आत्माएं सुखधाम में थे, इस शरीर के साथ सुख भोगते थे। हम आत्माएं जब रावण का राज में आते हैं तो फिर दुख भोगते हैं, फिर बाबा आते हैं तो हम तो दुख से छुड़ाए शांति धाम में ले जाते हैं। अभी ये तो बिल्कुल सहज बातें, तो बस दूसरी बातें सभी भूलते जाओ। शास्त्रों में क्या लिखा है, ये क्या है, ये तो बहुत ही लिखा हुआ है, शास्त्र ढेर है, जितने गुरु होंगे उतने शास्त्र होंगे, और गुरु कितने होंगे, करोड़ों गुरु होंगे। वास्तव में भारत के तो सभी पुरुष गुरु हैं, क्योंकि स्त्री का पति भी गुरु ईश्वर। तो देखो गुरु ही गुरु हैं, वो बिचारी किसकी गुरु नहीं है। जब भी शादी के समय हथियाला एग्रीमेंट करते हैं तो बोलते हैं कि ये तुम्हारा गुरु है, टीचर है, सब कुछ है, ईश्वर है। अब तो उनका अपना अस्तित्व ही खलास कर दिया। भारत में कितने गुरु हुए, सभी गुरु हो गए ना। अभी बाबा बोलते हैं कि नहीं, ये सब जो माताएं बैठी हैं ये ही सबकी गुरु है, मैं इनको गुरु के पद पर ले जाता हूं। इन माताओं के द्वारा सारी दुनिया को ज्ञान दिलवाता हूं, ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखता हूं। तो गाया जाता है ना, कलश माताओं के ऊपर रखा, ओम शांति।